उपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। चिरादित्यं किशोरांगं परे धाम्नि विराजितं स्वरूपं सच्चिदानंदं निर्विकारं सनातनं वंदं सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्रीदेव समृदीना श्री प्राणनाथ रिज मूलपति श्री मेराज सुनाम तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम पल पल करो प्रणाम। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महारानी वायुराज की जय। महाराजा छत्रसाल की जय। पवन राम साहेब आपकी सदा ही जय। महाराज राम रतन दास साहेब आपकी सदा ही जय। परम पूज्य परमेश्वरी बाई जी की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। सिंहासन पर साक्षात विराजमान धामधनी श्री राज्य महाराज के श्री चरणों में, युगल स्वरूप के श्री चरणों में विशेष स्मरण वंदन नमन करते हुए मंदिर के सभी पदाधिकारी जन, परनामी पंचायत के सभी पदाधिकारी जन, अभी जिनके भजनों को हम गुजराती में एक शब्द आता है मांडी रहा आता, मतलब मस्ती से पी रहे थे, आस्वादन ले रहे थे, ऐसे भाई सचिन जी, सभी प्रेरित भाई, बड़ा अच्छा इनका प्रयास, बहुत सुंदर था। और वो छोटा बालक उसका भी क्या बात है, वो हमारा भविष्य, अच्छा लग रहा था। धर्म परायण श्री राजी महाराज के अति लाडले प्यारे सुंदर साथ जी, माताएं बहने भाइयों सजनों, आज धामवासी अथवा माता जी परमेश्वरी बाई जी को विशेष याद करने का समय है। मैंने जहां तक सुना है उनकी दृष्टि काम नहीं करती थी, बाह्य दृष्टि थी नहीं, चर्म चक्षु काम नहीं करते थे, पर अंतर चक्षु जो है उनकी, दिव्य चक्षु जिसको कह सकते हैं, वो खुली थी, उनके अंतर की आंखें खुली थी। आज इसीलिए उनके नाम को लेकर के हम नतमस्तक होते हैं, विनम्र बन जाते हैं, प्रणाम करते हैं। ये राजी महाराज की लीला है। राजी महाराज ने इस संसार में खेल देखने के लिए भेजा, और देखने भेजा और दृष्टि दी नहीं। बड़ी विचित्र बात। और मैं जहां तक मानता हूं सुंदर शाह जी, हमने क्या देखा, उन्होंने सब कुछ देखा। अंतर की दृष्टि जिसकी खुल गई है वो इसको भी जान सकता है, समझ सकता है, उसको तो जानता ही है। मैं तो
सुंदर साहब जी, आपसे कहता हूं, हम आप सभी विचार करें, चिंतन करें। धनी को याद, धनी अपनी याद दिलाने के लिए ऐसा करें तभी हम याद करेंगे। वो अवस्था बनाएं तब हम याद करेंगे। हमें विचार करके चलना है। मैं अभी खिलवत की कुछ चौपाइयां देख रहा था और चली गई चौपाइयां। कितनी बड़ी मेहरबानी हमारे ऊपर हुई है। परमधाम का आनंद लेने वाली अंगनाएं उस आनंद का अनुभव और अच्छी तरह से कर सकें, बेहतर कर सकें, इसलिए भेजा है यहां। दुखी करने के लिए नहीं, और भेजा है तो भूल ना जाएं, इसलिए रूह अल्लाह को साथ में भेजा, सदगुरु महाराज को साथ में भेजा कि जाओ और ये बात याद कराएं आप जाकर के कि किस लिए यहां संसार में आए। मैं बार बार कहता हूं सुंदर साजी, हमारा संबंध उस परब्रह्म परमात्मा श्री राजी महाराज से है और इस संबंध को हमें अनुभव करने का प्रयास करना चाहिए। हमारे अंदर संसार की चीजों की चाहना भरी है और वो चीज मिलने के बावजूद हमें वो आनंद नहीं आता जिस आनंद की हम खोज कर रहे हैं, वो नहीं मिल पाता है। हमें कुछ और चाहिए और इतना चाहिए, ऐसा चाहिए जिसका शास्त्र वर्णन करते हैं, वाणी वर्णन करते हैं उस परम धाम का। सुंदर शाह जी, वहां से संबंध होने के कारण से मैं तो शायद पहले भी कहा है सुंदर शाह जी कि इस कारण से ही हमारे अंदर वो तृप्ति नहीं हो रही है। कई लोग कह देते हैं ये माया का प्रभाव है, नहीं, मैं कहता हूं वो बहुत बड़ा राज उसके अंदर छुपा बैठा है। हम चाहते हैं वो मिलने के बावजूद हमें वो तृप्ति नहीं मिलती, हमें कुछ और चाहिए। वास्तव में क्योंकि ऐसे स्थान से हमारा संबंध है, जब तक वो ना मिले तब तक हमें वो तड़प बनी रहती है। वो प्रियतम धनी कहा है पहले भी, उत्तम वस्तु की तरफ हमारा लगाव खिंचाव। एक सामान्य बाबत को भी हम देखें, बाजार में जाकर के कोई वस्तु लेना चाहते हैं तो बढ़िया से बढ़िया छांटने की कोशिश करते हैं। हमें पता है हमारे पास धन थोड़ा है, इतने से तो सामान्य ही चीज आएगी, पर हम सोचते हैं नहीं नहीं, भले जितना भी हो उसमें भी बढ़िया से बढ़िया उत्तम से उत्तम वस्तु मिले। कक्षा में पढ़ने वाला व्यक्ति भी, विद्यार्थी भी, बालक भी ये सोचता है कि मैं सबसे अव्वल बनूं। क्यों ऐसा स्वभाव बनता है, क्यों ऐसा है? जानता है वो विद्यार्थी कि मैं पढ़ता नहीं हूं, मुझे कुछ आता जाता नहीं है और पास होना भी मुश्किल है, पर मन में इच्छा ऐसी बना के रखता है कि काश मैं भी फर्स्ट आ जाता, क्योंकि उत्तम के प्रति, उत्तम से हमारा संबंध है, इसलिए उत्तम के प्रति एक खिंचाव, आकर्षण है। वो उत्तम शास्त्रों ने कहा है, क्षर अक्षर से परे अक्षरातीत हम कहते हैं, शास्त्र कहते हैं क्षर अक्षर और उत्तम पुरुष करके गीता आदि शास्त्रों ने कहा है। उस उत्तम से हमारा संबंध होने से सुंदर साहब जी, हम उत्तम के प्रति हमेशा आकर्षित रहते हैं। और ये संबंध मैं तो कहता हूं, कई बार हमारे सुंदर साहब कहते हैं क्या हम परम धाम के हैं? हम सभी परम धाम के हैं, कहीं बाहर के नहीं, कहीं अन्यत्र नहीं है। अक्षर ब्रह्म के चार अंतस्करण में से अव्याकृत
अव्याकृत के अंदर ये सारा पसारा बना हुआ है और अक्षर ब्रह्म कौन है? स्वयं स्वरूप एक है, लीला दो ही। राजी महाराज का ही स्वरूप है। लीला दो तरह की, एक बाल लीला करते हैं, एक किशोर लीला करते हैं। उनके अंदर के अंतस्करण का मतलब है परमधाम 25 पक्ष के अंदर से सबका संबंध है सुंदर साथ जी। इसलिए हमें ये जान करके चलना है, ये समझ करके चलना है, ये दृढ़ बना करके चलना है। हमारा श्री राजी महाराज के साथ में, प्रियतम धनी के साथ में अटूट संबंध है और उस संबंध को उजागर करने के लिए संसार में हमें भेजा है राजी महाराज ने, कि संसार में बाकी जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि आदि है, उनको भी जगाने के लिए हमें यहाँ भेजा है। सबसे पहले सदगुरु, सदगुरु के बाद श्री प्राणनाथ जी महाराज, प्राणनाथ जी महाराज के बाद विभिन्न ब्रह्मात्माओं ने यहाँ कार्य किया है, हम भी उन्हीं ब्रह्मात्माओं से हैं, ऐसा दृढ़ विश्वास लेकर के चलने वालों में माता जी है परमेश्वरी बाई, परमेश्वरी हाँ परमेश्वरी बाई जी। प्यारे सज्जनों, हम सभी के अंदर वो शक्ति छुपी बैठी, कहीं कमी नहीं है। हम उस शक्ति को ढक करके रख करके बैठे हुए हैं, हम कैसे कर सकते हैं ऐसा लगता है, पर जो कमर कस करके आगे निकलता है, चाहे शरीर में कितनी कमियां क्यों ना हो, वो आज हमारे लिए उदाहरणीय बन जाता है परमेश्वरी बाई जी। सुंदर साथ जी, विचार करना है धनी की मेहरबानी कितनी, कितनी कृपा कर रखी है। मैं विभिन्न क्षेत्रों में कार्यक्रमों में हो करके अभी आपके दर्शन के लिए पहुंचा, प्रातः काल फिर जाना है। यहाँ के सुंदर साथ का, यहाँ के कार्यकर्ताओं का तो विशेष भाव था कि कल पूर्णावती में जरूर रहें, और मेरा भी था, पर ऐसा कुछ कार्यक्रम फंस गया, क्या करें। पर मैं मजाक में कह देता हूँ, महाराज दो दो तीन तीन होने चाहिए, ताकि एक महाराज वहां जाए, एक महाराज वहां के संभाले, एक महाराज उधर जा करके कर। पर अभी आप सबके दर्शन करने के लिए पहुंचा, फिर प्रातः काल उसी तरह से दौड़ करके दिल्ली पहुंचना है। दिल्ली में भी सुंदर साथ का प्रारंभिक मतलब वर्ष का प्रथम गोष्ठी की तैयारी है, वहां कार्यक्रम होगा, वहां भी सुंदर साथ का भाव है, तो हमें पहुंचना पड़ रहा है। एक ही बात कहना चाहूंगा कि ऐसे समय में भी हम लोग इस संसार में हैं और जयपुर और ऐसे शहरों में बैठ बसे हुए हैं, सावधान रहें सुंदर साथी। हम बह जाते हैं, हमें सावधानी रखनी है। प्रियतम धनी ने कितनी मेहरबानी कर रखी है, उसको चिंतन करें, करें कार्य संसार का, कोई हर्ज नहीं, पर बिल्कुल धनी को बुला करके संसार की तरफ आकंठ डूब जाएं, ऐसी स्थिति हमारी नहीं होनी चाहिए। सावधान रह करके चलने का प्रयास करना चाहिए। वास्तव में हम लोग गाते भी हैं, समझते भी हैं, समझने के बावजूद माया का प्रभाव हमारे अंदर इतना हो जाता है कि वो बात एक तरफ रह जाती है। जो भी ब्रह्मात्माएं इस संसार में उदाहरणीय कार्य करके गई हैं, वो ऐसी नहीं रही। मन में, हृदय में हमेशा धनी के प्रति एक आकर्षण हमेशा बना रहा, और उसको उसको लेकर के वो आगे बढ़े और सुंदर साथ के लिए प्रेरणा स्वरूप बने। ऐसी ब्रह्मात्माओं में परमेश्वरी बाई थी। हमें विचार करके चलना, मैं तो इस विचार कर रहा था परमेश्वरी बाई के विषय में कोई बोलते अच्छे ढंग से, उनके जीवन के विषय में बोलते, आज आवश्यक है इस बात की, ताकि उनसे प्रेरणा मिल सके हमें। कैसे कठिन, कैसा कठिन जीवन उनका था, आज का जैसा आसान जीवन नहीं था, आज की तरह से सरल नहीं था सब कुछ, बड़ा कठिन समय था। आज से हम 10-20 वर्ष पहले की अवस्था को हम विचार करें, हमारा ही जीवन कैसा अटपटा था, है ना, परिस्थिति बड़ी बिगड़ थी। आज सरल होता जा रहा है, पर जितना सरल होता जा रहा है सुंदर साथ जी, उतना ही कमी भी हमारे अंदर बढ़ती जा रही है। ये सावधानी रखने की बात है।
इस तरह से कमियों को नहीं आने देना। राज्य की मेहरबानी से सरलता होती जा रही है, उस मेहरबानी को हमें भूलना नहीं। आप सबको मैं वैसे, क्योंकि आपका ही अपना स्थान है करनाल के ही, कार्यक्रम की जानकारी आप सबको है करीब करीब, फिर भी हमारा कर्तव्य है। मैं आपको कहना चाहूंगा, इस बार महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज को वैसे कहते हुए मन में ना कैसा कैसा हो जाता है, 400 वर्ष हो गए धनी को आए, और 400 वर्ष से हम ये सब चीजें पढ़ते आ रहे हैं, हमारे पूर्वजों ने पढ़ा बातें की, और आज 400 वर्ष हम कर रहे हैं, तो हम कहां पहुंचे हुए हैं, कितने पहले से ये बातें आई है, और उसके बाद अनेकों संप्रदायवादी प्रकट हो गए और वो करके वो काफी आगे तक पहुंच चुके हैं, उनका प्रचार प्रसार प्रसारा बहुत कुछ है, पर हम उस तरह से नहीं कर पा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं हमारी कमी हमें माननी चाहिए। तो चतुर्थ शताब्दी उत्सव इस वर्ष जगह जगह मनाया जा रहा है सुंदर साथ जी, अनेक स्थानों में हो चुके हैं, अनेक स्थानों में होने भी हैं कार्यक्रम, वर्ष भर नहीं करीब करीब 1.5 वर्ष तक ये कार्यक्रम चलेगा, और विशेष रूप से विभिन्न स्थानों में हो रहे हैं। श्री पांच नौतनपुरी धाम में आप सबने अनुभव भी किया, बहुत सारे सुंदर साथ गए थे, कईयों ने यहाँ अनेक साधनों के माध्यम से भी लाइव प्रसारण को आप लोगों ने देखा है। बहुत विशेष कार्यक्रम था, बहुत भव्य अति भव्य कार्यक्रम था वो, क्योंकि नौतनपुरी धाम है जहाँ धर्म का उदय हुआ है, धर्म की स्थापना जहाँ से हुई है वो स्थान था। उसी तरह से अन्य स्थानों में भी कार्यक्रम हो रहे हैं, उसी क्रम को स्वीकारते हुए बाबा दयाराम धाम में भी कार्यक्रम सुंदर रूप से बने, उसके लिए लगे हुए हैं सुंदर साथ, आप सभी भी लगे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं, मुझे पता है। फिर भी मैं आप सबको कहना चाहूंगा सुंदर साथ जी, एक वहां की चौकीदारी सुंदर साथ ने राज्य ने सौंपी है, तो मेरा कर्तव्य मैं मानता हूं आप सभी समय पर पहुंचें, कार्यक्रम का पूरा लाभ भी लें, कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाना भी है। इस बार हो सकता है, बाकी सब धनी की इच्छा जैसी है ना, इस बार हो सकता है सुंदर साथ दूर दूर से विशेष आएंगे, है ना, गुजरात से तो आते ही हैं, और भी आने वाले हैं, नेपाल साइड से भी आएंगे, आसाम से भी आएंगे, पंजाब से भी हैं ही, और महाराष्ट्र से भी आएंगे, दूर दूर से काफी सुंदर साथ का इकट्ठा होना अनुभव हो रहा है, शायद होंगे, जैसी परिस्थिति होगी राज्य महाराज जैसे कृपा कराएंगे। और मैं तो कहूं करनाल की रौनक तो जयपुर है ना, जयपुर का सुंदर साथ कब पहुंचता है उस पर रौनक बढ़ती है। तो इस बार चतुर्थ शताब्दी उत्सव है सुंदर साथ जी, आप सभी बढ़ चढ़ करके पहुंचे, खूब आनंद लें, खूब आनंद दें सुंदर साथ को। एक बात और कहना चाहूंगा, देखिए ध्यान रखें कि हमारे से किसी को पीड़ा ना पहुंचे, ध्यान रखें हमारे अंदर बिल्कुल सरलता को लेकर के जाना है, और वह सरलता दिखानी है, सहजपन दिखाना है। बाहर से आने वाले, दूर दूर से कभी कभार आने वाले सुंदर साथ को ये लगे यारे यहाँ मैं पिछले सालों में क्यों नहीं आया अथवा क्यों नहीं आई, मेरे को पहले से ही है बहुत कुछ छूट गया, अब कभी भी इस तरह के कार्यक्रम को मैं नहीं छोड़ूंगा अथवा नहीं छोड़ूंगी, इस तरह का भाव उनके अंदर जागृत हो, हमें वो वातावरण बनाना है। क्योंकि हम आए परम धाम से प्रेम को बांटने के लिए, धनी हमारा प्रेम अधिक है ये कह करके आए हैं। राजी जानते थे प्रेम का स्रोत तो मैं हूं, मेरे कारण से ही आप में प्रेम है, पावर हाउस अथवा जहां से पावर जनरेट होता है, बिजली पैदा होती है, वहां से बिजली पैदा हो रही है, और ये बल्ब कहे कि ताकत मेरे में है, तो वो वाली स्थिति हमारी थी। हम जताने आए हैं प्रेम को, उजाला फैलाना है यहाँ, सुगंधी फैलानी है यहाँ, प्रेम फैलाना है यहाँ, विनम्रता फैलानी है यहाँ, सरलता फैलानी है सुंदर साथ जी। वो मौके अनेक मिलते हैं, उन्हीं में से एक मौका बाबा दयाराम धाम में 20 से 26 इस बार साप्ताहिक कार्यक्रम है, और आप सबने शायद पारायणों को पढ़ा है,
292 पैरेंट बाहर से पढ़े जा रहे हैं, सुंदर साहब पढ़ रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, मेरे को जगह जगह से समाचार मिल रहे हैं, और 108 पैरेंट उस समय रखे जाएंगे। मेरा थोड़ा सा कई जगह 400 पैरेंट भी हो रहे हैं, कईयों ने मेरे को कहा भी, जैसे सुनते हैं वैसे कह भी देते हैं, सुंदर साहब आप 400 क्यों नहीं रखते। मैंने कहा वाणी को पढ़ना है, केवल पद रहना नहीं। गौतम फरीद हाँ कि हम तुलना नहीं कर सकते, महामंगल परिधाम की हम तुलना नहीं करेंगे, पुरिया हैं, पर कई जगह हमने थोड़ी सी स्थिति अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैंने कहा कि केवल 108 ही पारायण उस समय पद रहेंगे, और आप सब पहुंचे और कार्यक्रम में उस पारायणों को भी पढ़ने में भी, और साथ ही साथ देखिए सुंदर साथ जी सभी भाव से पहुंचेंगे तो थोड़ी देर ही आपको पढ़ना होगा, दूसरों की बारी, दूसरों को भी बारी देना पड़ेगा। इसी तरह से पारायण बड़े सहजता के साथ में 108 पारायण होंगे, और मैं कहता हूं सुंदर साहब जी संख्या की दृष्टि से देखें तो सबसे अधिक संख्या गुजरात में है, गांव के गांव सुंदर साहब है ना, और उसके बाद नेपाली सुंदर साहब बहुत अधिक है संख्या की दृष्टि से देखें, पर गुणात्मकता की दृष्टि से देखें गुणवान सुंदर साहब, ज्ञानी सुंदर साहब और जागरूक सुंदर साहब और कुछ विशेष करें ऐसी भावना वाले सुंदर साहब, कहां कहां के सुंदर साहब में वो जनघनत्व ज्यादा है, ऐसा देखा जाए वो पंजाब का सुंदर साहब है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, हमें वो बताने का मौका आया है। हम जैसे जयपुर में करते हैं, यहाँ जयपुर के सुंदर साहब सारे है ना, बाहर के होंगे दो चार, पर करनाल ऐसा एक स्थान है, एक पंजाब का गढ़, हम आप सभी का विशेष भावना लगाव वाला स्थान, और वहां सुंदर साहब बाहर से भी बहुत आते हैं, वहां मारवाड़ी भी आते हैं, वहां नेपाली भी पहुंचते हैं, वहां गुजराती भी पहुंचते हैं, वहां महाराष्ट्र से भी मराठी सुंदर साहब के भी आने की संभावना है। तो सुंदर साहब जी जगह जगह से सुंदर साहब आ रहे हैं, बिहारी सुंदर साहब भी आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से भी सुंदर साहब आ रहे हैं, उन सभी को हम कुछ हमारे अंदर गुणात्मकता है, राज्य की विशेष कृपा है, ये बताने का मौका आ रहा है। तो सुंदर शाह जी आप सभी सादर आमंत्रित हैं, समय पर पहुंचे, कार्यक्रम की पूरी पूरी शोभा बढ़ाएं, और उसके पश्चात फिर हम सभी दौड़ेंगे और कहीं